8. So let's start. Without wasting our time, let's start. I'll explain to you line by line and see your book, page number 51. Okay. From stone to metals. The early human needed weapons to hunt animals and also to protect himself from them. Clothes and weapons were usually made of bones, wood and stone. Early human beings. जब आदि मानव के समय का टाइम था, उस समय जो था वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ पर उनको अपनी सुरक्षा करने के लिए या शिकार को शिकार मारने के लिए शिकार करने के लिए उनको वेपन्स की जरूरत पड़ती थी. वेपन्स मीन्स जो हथियार है उनकी जरूरत पड़ती थी. तो वो लोग किससे बनाते थे हथियार? वो लोग जो टूल्स थे वो और वेपन्स थे वो किससे बनाते थे? बोन से बनाते थे, यानी जानवरों की हड्डियों से बनाते थे या वुड से बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे या स्टोन से बनाते थे, पत्थरों से बनाते थे. सिंस दीस टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन दिस एज इज कॉल्ड, तो जो स्टोन से बनते थे टूल्स, इसलिए उस एज को, उस अर्ली ह्यूमन एज को क्या क्या कहा गया था, क्या नाम दिया गया था? स्टोन एज. इन द बिगनिंग टूल्स वर वेरी सिंपल एंड क्रूड, और जब स्टार्टिंग में जो टूल्स बनते थे बहुत ही सिंपल थे और बहुत ही क्रूड थे. जनरली शार्प एंड पॉइंटेड टूल्स वर एडेप्टेड टू मीट द इंक्रीजिंग नीड्स ऑफ द अर्ली ह्यूमन. वो ज़्यादातर जो पत्थरों को या बोन्स को देखे ना आप अपनी बुक में, ये सारी चीज़ें जो हैं बुक में ऑलरेडी दी हुई हैं कि ऐसे वो शार्प और नुकीले थे और उनको नुकीला कर लेते थे और उसके बाद वो उससे अपना शिकार करते थे या यानी अपना और प्रोटेक्शन करते थे. इसके बाद नेक्स्ट आया ब्रोनेज. ब्रोनेज जो है द फर्स्ट मेटल टू बी यूज वाज कॉपर. जो हमारे उसमें अर्ली ह्यूमन एज में जो फर्स्ट मेटल यूज किया गया वो कौन सा था? कॉपर का था. द अर्ली मैन बिगन टू मिस कॉपर विद अदर मेटल. तो अर्ली मैन ने किया गया कि कॉपर को और दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया और उसका यूज करने लगे. कौन सा दूसरा मेटल था? जिंक और जिंक और टिन. एंड मेक अलॉय न्यू अलॉय, यानी इन सबको मिक्स करके नया मेटल बना ब्रास एंड ब्रोंज का. और इस एज को कहा गया ब्रोंज एज. देन थर्ड इज द स्टीम इंजन. इन स्टीम इंजन क्या बना? यानी जो हमारा रेल का डिब्बा है या इंजन, सॉरी रेल का जो इंजन है वो स्टीम. स्टीम क्या है? यानी भाप से चला. जब कोयला डालते थे ना आप, आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में देखा होगा कि अब तो इलेक्ट्रिक वाले इंजन आ गए हैं सारी जगह पर. तो पहले जो था तो कोयला डालते थे, स्टीम बनती थी, स्टीम से ही वो इंजन अपने पावर के अंदर पर था, वो आगे चलता था. देन स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट. किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने बनाया था. इन 1769 में बनाया था. इट वॉज ए की मशीन इन द 18th सेंचुरी. और ये की मशीन थी 18th सेंचुरी की. इन इंग्लैंड अ पावरफुल पंप वॉज यूज टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस. सैमसन यूज अ स्टीम इंजन टू डेवलप रेलवे इंजन. इट वॉज ऑल्सो यूज इन शेप. द पावर ऑफ स्टीम इंजन वॉज ऑल्सो यूज टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन. तो स्टीम इंजन जो था वो बहुत सारी जगहों पर यूज होता था. क्या किस पे होता था? कि जो वाटर है उसको फ्लडेड माइंस, फ्लडेड माइंस जो होती थी यानी जो माइंस होती थी, खनिज वाली जो जगहें होती थी, खाने होती थी तो फ्लडेड होती थी, तो उनका पानी निकालने के लिए भी इन इंजन का इस्तेमाल किया था. रेलवे में इन इंजन का इस्तेमाल किया गया था और शिप में भी इन्हीं स्टीम इंजन का इस्तेमाल होता था. द पावर ऑफ स्टीम इंजन वॉज ऑल्सो यूज टू रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन. और स्टीम इंजन का इस्तेमाल बहुत सारी मशीन्स को भी चलाने के लिए किया जाता था. आफ्टर सम टाइम पेट्रोल एंड डीजल वर डिस्कवर. थोड़े बहुत दिनों बाद फिर पेट्रोल एंड डीजल डिस्कवर हुआ और फिर वो पेट्रोल और डीजल से वो डीजल चलने लगा. जिस उससे क्या हुआ कि उस इंजन की स्पीड बढ़ गई, लोगों की जो ताकत थी वो ज़्यादा भी पार लगने लगी पहले. और ये सारी चीज़ें इस तरह से मेंटेन होती गई और आगे आगे ये सारी चीज़ें बनती चली गई. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर कार्स. जब पेट्रोल और डीजल आया तो मोटर कार बनी, बसेस बनी, इवन डीजल लोकोमोटिव्स. द सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स टू अंडरवेंट मेनी चेंजेस. और इससे हमारे सिस्टम में बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस आए. देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स औद्योगिक क्रांति जिसको कहते हैं. द मोस्ट इमीडिएट चेंज बिकॉज ऑफ मशीन लर्निंग द नेचर ऑफ प्रोडक्शन बोथ दैट आर मेड इन अ होम और इन स्मॉल वर्कशॉप बिगेन टू द प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज. प्रोडक्शन इंक्रीज ड्रामेटिकली विद द हेल्प ऑफ मशीन. न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप्ड. दिस वॉज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. यानी जब इंडस्ट्रीज बनी हमारे देश में क्या हुआ कि पहले स्टार्टिंग में क्या था कि बहुत छोटे छोटे उद्योग बनाते थे,
को इंक्रीज होने लगी, उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा और एक औद्योगिक क्रांति आ गई और उससे जो है न्यू इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन कहते हैं। दिस रेवोल्यूशन बिगन एंड बिगेम वाइड स्प्रेड इन द 18th एंड 19th सेंचुरी इन यूरोप एंड यूएसए। और ये जो रेवोल्यूशन था बिगेम बिगेम वाइड स्प्रेड यानी समझिए फैला कब, 18th और 19th सेंचुरी में यूरोप एंड द यूएसए। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मेड पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। इंडस्ट्रीज की वजह से ही, औद्योगिक क्रांति की वजह से ही लोगों ने जो लोग देश के लोग हैं वो यहाँ से मतलब गांव से शहर की तरफ रुख करने लगे, यानी गांव से शहर की तरफ आने लगे और सिटीज की ग्रोथ हुई और वहाँ पर बहुत सारे मटीरियल्स बनने लगे और इकोनॉमिकल ग्रोथ हुई और साथ ही साथ सोशल चेंजेस हुए। देन नेक्स्ट इज एनर्जी फॉर मशीन्स। बिग फैक्ट्रीज प्रोड्यूस वेरियस गुड इन लार्ज क्वान्टिटीज, दे यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन टू दिस वर्क। पावर वॉज नीडेड रन दीज मशीन्स। इन द बिगनिंग स्टीम वॉज यूज बाई डी स्टीम इन द बॉइलिंग वाटर, फ्रॉम बॉइलिंग वाटर फायर वॉज नेसेसरी, सो मशीन हैड टू बी कंटिन्यूअसली फेड विद वुड और कोल। तो स्टीम जो है एनर्जी फॉर मशीन, जो एनर्जी मशीन्स को जो एनर्जी मिलती थी उससे मिलती थी वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन थ्रू दिस वर्क। मशीन को स्टीम देने के लिए, एनर्जी देने के लिए पावर की गई थी, यानी उनको भी ताकत की जरूरत थी ना कोई चीज़, इंजन चलाने के लिए भी पावर की जरूरत है। तो उससे क्या होता था कि स्टीम जो थी वो हमेशा उनको मिलती रही क्योंकि उस समय स्टीम इंजन भी ज़्यादा डेवलप थे। तो वहाँ पर स्टीम बनाने के बॉइलिंग वाटर चाहिए, बॉइलिंग वाटर के लिए क्या था फायर नेसेसरी थी। तो ये सारी चीज़ें कैसे मिलती थी, बोर्ड और कोल से, कोयले से या लकड़ी से मिलती थी। कोल वॉज द फर्स्ट फ्यूल यूज टू रन मशीन। कोल जो है वो फर्स्ट फ्यूल है जो मशीन्स को दौड़ाने में काम आया था। इट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। कि आपको पता है कि जो कोल की खदाने होती हैं, कोयले की खदाने होते हैं वहाँ से आता है। इट वॉज एक्सटेंसली यूज टू रन मशीन एंड द डिमांड ऑफ कोल इंक्रीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड ब्रॉट प्रोग्रेसेस फॉर न्यू फ्यूल्स एज अ रिजल्ट पेट्रोलियम वॉज डिस्कवर्ड। जब कोल जब था सिर्फ कोल ही था और उसकी डिमांड बढ़ती गई क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ, उसकी जब डिमांड बढ़ती गई तो धीरे धीरे फिर किसको ढूंढा गया, पेट्रोलियम को ढूंढा गया। देन मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल आपको पता है द नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज मिनरल ऑयल। जो खनिज तेल होता है, इट लिक्विड फ्यूल। जो ये लिक्विड फ्यूल होता है फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस या सरफेस से नीचे मिलता है। इट वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका इन 1857। ये अमेरिका में 1857 में डिस्कवर किया गया था। इट इज़ डिल एंड रिफाइंड टू गेट कैरोसिन। और इसको जब रिफाइन किया जाता है खनिज पदार्थ को, तो उससे कैरोसिन मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, गैसोलिन मिलता है, स्पिरिट मिलता है और बहुत सारे अदर केमिकल्स जो होते हैं, अलग अलग तरह के जो केमिकल्स होते हैं वो सारे इससे निकलते हैं। ही डेवलप अ फोर व्हील कार। और ऐसे ही जब पेट्रोल आया 1885 में, तो फोर व्हील कार यानी कार का इन्वेंशन हुआ इन 1886। द मोटर कार केम इनटू बीइंग। मोटर कार का इन्वेंशन हो गया और लोग उसको यूज़ करने लगे। वी कैन नाउ सी थाउजेंड ऑफ व्हीकल रनिंग फास्ट यूजिंग पेट्रोल। पेट्रोल इज ऑल्सो यूज फॉर एरोप्लेन। पेट्रोल जो है वो एरोप्लेन के लिए भी यूज़ होता है। देन अदर जर्मन साइंटिस्ट रुडोल्फ डीज़ल इन्वेंटेड एन इंजन दैट कुड रन अनदर काइंड ऑफ मिनरल ऑयल, द मिनरल ऑयल कॉल्ड डीजल। और जो रुडोल्फ डीजल थे उन्होंने एक नई तरीके का इंजन डेवलप किया जो डीजल से चलने लगा और उन्होंने उसको उनके नाम से ही उसको क्या डीजल का नाम दे दिया गया। और हैवी ट्रक्स, रेलवे इंजन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब डीजल से चलने लग गई। इट इज एस्टिमेटेड दैट एंटायर ऑयल रिजर्व ऑन द अर्थ विल बिकम स्केल्ड विद लेस देन 50 ईयर्स। फॉर्चुनेटली एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैड ऑलरेडी बीन फाउंड। और इसी बीच में इलेक्ट्रिसिटी भी ढूंढ ली गई थी। इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी है वो बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज़ जनरेटेड इन मैनी वेज। ये बहुत तरह से जनरेट की जाती है। जैसे कैसे जनरेट की जाती है, पता ना आपको, डैम बनाए जाते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जो सोलर एनर्जी है उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये सारी चीज़ों से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकन साइंटिस्ट डेमोंस्ट्रेटेड द लाइटिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसने किया था, अमेरिकन जो साइंटिस्ट है फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन डेमोंस्ट्रेटेड द
लाइटिंग इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक लाइटिंग को मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी थी। ही मेड अ काइट फ्लूइड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म इन 1952, उन्होंने एक काइट बनाई और उन्होंने एक मतलब तूफान में 1752 में उसको उड़ाई। ही हैड द सेम बाय अ सिल्क कॉर्ड और उन्होंने काइट किससे बांधी थी, सिल्क कॉर्ड से, यानी सिल्क के धागे से बांधी थी। व्हेन ही पुट हिज हैंड नियर द मेटल ही अटैच द स्ट्रिंग ही गॉट एन इलेक्ट्रिक शॉक और उनको जब वो मेटल पीस से टच हुआ वो कॉर्ड तो क्या हुआ, जब स्टॉर्म में उसमें बिजली जब उन्हें गड़ गई थी तो वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक उनको लगा। आफ्टर द वेरियस डेवलपमेंट टुक प्लेस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी और फिर इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का यूज होने लगा। देन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑल्टरनेटिव और जो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो कौन कौन से हैं, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ, जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो उनको फ्यूल की भी डिमांड बढ़ गई। पेट्रोल डीजल पहले बहुत सस्ता हुआ करता था, अब देखिए अब कितना महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो उसकी डिमांड बढ़ गई, पर जो हमारा मिनरल ऑयल है वो तो एक सीमित दायरे में है ना, उसको हम अगर ज़्यादा बर्बाद करेंगे ज़्यादा यूज करेंगे वो हमको बार बार तो मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी मिनरल चीज़ें जो बनती हैं वो उनको मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, यानी बहुत सारे साल लग जाते हैं। तब वो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, पर यूजेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी के लिए इन सारी चीज़ों को एक उसमें बना के रखने के लिए विंड पावर का यूज किया गया, वाटर सोलर पावर प्रोवाइड्स इनफ फ्यूल, वाटर का और सोलर पावर का यूज किया गया, ऑटोमेटिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी इसका भी यूज किया गया, बायोगैस, बायोगैस जो ओवन से बनती है, इन सारी चीज़ों का यूज किया जाता है और उसको बनाया जाता है। ओके जाएगा चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर सी पेज नंबर 53 एंड 54। Try to complete, read the lesson carefully and see the video and try to complete all the exercises of this chapter and I'll send you question answer and exercises well, by WhatsApp. Bye, children. Stay home, stay safe. Now we will study about habitat. Habitat kya hota tha? Place where an animal lives, eats, grow and reproduce called its habitat. देखिए habitat kya hota tha? Habitat kya hota tha? वह स्थान जिसपे एनिमल रहते हैं, फीड करते हैं यानी कि ईट करते हैं, फूड लेते हैं अपना, उसमें ग्रो करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जिस स्थान पर करते हैं ये सारे काम उसे उसका हैबिटेट कहते हैं एनिमल्स का। और ये यहाँ पर अपना क्या प्राप्त होता है, हैबिटेट को हम लोग हिंदी में वास स्थान भी कह सकते हैं। तो हैबिटेट में हम लोगों को सेंटर मिलता है ना, रहने के स्थान को सेंटर कहते हैं, यहाँ से हम लोग अपना सेंटर एडेप्टेशन होता है और उसी के अनुसार जो है फीचर्स अपने में डेवलप करना, इसे एडेप्टेशन कहते हैं, हिंदी में इसको अनुकूलन कहते हैं। ओके, नाउ एडेप्टेशन डिपेंड ऑन वेयर एंड हाउ द एनिमल लिव, एडेप्टेशन किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि एनिमल कहां पर और कैसे उस हैबिटेट में रह रहा है, इस पर डिपेंड करता है।
अलग अलग एनिमल्स के हैबिटेट और उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो डिफरेंट कवरी ऑफ एनिमल्स, इस तरह से जो कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग तरह की कवरी होती है। जैसे कि इसने टॉर्टल्स एंड टाइगर, दीज एनिमल हैव अ हार्ड आउटर कवरिंग ऑन देयर बॉडी कॉल्ड सेल। देखिए ये जितने भी एनिमल्स होते हैं इनके पास में इनकी जो बॉडी होती है इनकी बॉडी पर हार्ड आउटर कवरिंग होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो हार्ड आउटर कवरिंग से कवर रहती है। स्नेक्स वगैरह देखिए, कछुआ देखिए, आप लोग टॉर्टल्स है ना, इसको क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल कहते हैं एंड इट प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी फ्रॉम इंजरी एंड फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय अटैक्टेड बाय एनिमीज। ये जो इनकी बॉडी जो हार्ड कवर होती है इसकी वजह से जो भी बाहरी जो भी इंजरी होती है, जो भी चोट वगैरह होती है, ठीक है, तो इनकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये जो हार्ड कवरिंग होती है, जो सेल होता है वो इनको जो है प्रोटेक्ट करती है एनिमीज, जो बाहरी शत्रु है या बाहरी जो भी चोटें वगैरह इंजरी है उनसे प्रोटेक्ट करती है इसकी वजह से। आप देखिए फिश, मोस्ट ऑफ द फिश हैव ओवर लैपिंग स्केल्स ऑन देयर बॉडी विच आर वाटर प्रूफ। देखिए ज्यादातर जो फिश होती है उनके पास में स्केल्स होते हैं। आप लोगों ने देखा हो फिश होती है तो देखिए फिश के पास भी इस तरह से ये स्केल्स होते हैं, ये ना ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए ये स्केल्स पाए जाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। ये कैसे होती है, ये वाटर प्रूफ होते हैं एंड दीज स्केल्स आर फ्लेक्सिबल। ये कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं एंड डू नॉट डिस्टर्ब देयर मूवमेंट, और वो फिश की जो भी मूवमेंट करती है पानी में उसको डिस्टर्ब नहीं होने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, तंतु नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है, आल्सो है बॉडी कवर्ड विद स्केल्स। ये सब जो भी रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, इनकी बॉडी पर भी क्या पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। अब देखिए बर्ड्स, बर्ड्स बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फेदर्स। जो बर्ड्स होती है, चिड़िया वगैरह होती है, इनकी बॉडी भी फेदर्स से कवर्ड रहती है एंड फेदर्स प्रोटेक्ट देम एंड कीप देम वार्म। फीडर्स की वजह से ये जो है प्रोटेक्ट रहते हैं, मतलब कि इनको फीडर्स जो है वो बर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और कीप देम वार्म और उसको गर्म बनाए रहते हैं। उनकी बॉडी जो है वो फीडर्स की वजह से गर्म बनी रहती है एंड फीडर की बनी हुई इनमें क्या होती है, टेल होती है जो कि लार्ज होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स को जब वो फ्लाई करती है तो उसके डायरेक्शन को चेंज करती है। जो फीडर्स बनी हुई टेल होती है वो इसके बर्ड्स के डायरेक्शन को जब वो उड़ती है, फ्लाई करती है स्काई में, उसके डायरेक्शन को चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले आती है, ठीक है। अब देखिए मैमल्स, मैमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। जितने भी मैमल्स होते हैं, मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, उनकी बॉडी में क्या क्या पाए जाते हैं, हेयर्स, बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं ना, बाल पाए जाते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो होती है वो प्रोटेक्ट, उनकी बॉडी को हेयर्स प्रोटेक्ट करते हैं एंड कीप देम वार्म और उनकी बॉडी को गर्म बनाए रखते हैं। जैसे कि देखिए पोलर बियर, पोलर बियर कोल्ड सीजन में पाया जाता है, तो उसके जो फर होते हैं, उसके जो हेयर पाए जाते हैं, जिनको कि फर कहते हैं, बहुत ही थिक पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी जो है वो गर्म बनी रहती है, इतने ठंडे रीजन में भी पाए जाने की वजह से। अब इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट हैव देयर बॉडी कवर्ड विद टाइनी हार्ड स्केल्स। अब देखिए जो इंसेक्ट होते हैं इनकी बॉडी जो हार्ड स्केल से कवर्ड होती है, जिससे ये अपने आप को जो है सुरक्षित कर सकते हैं। एनिमल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से फीड करते हैं, फीडिंग करते हैं, भोजन लेते हैं ना। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे अलाइव। देखिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें फूड की आवश्यकता होती है, किस लिए होती है, ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए और
एनर्जी प्राप्त करने के लिए और जीवित रहने के लिए, तो उससे अलाइव यानी कि जीवित रहने के लिए उन्हें फूड की आवश्यकता होती है। एंड डिफरेंट एनिमल्स नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी। और जितने भी अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग तरह का फूड लेते हैं हेल्दी रहने के लिए, तो स्टे हेल्दी यानी कि स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग तरह का भोजन लेते हैं। द माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट। और जो भी एनिमल्स होते हैं उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरह के माउथ पार्ट्स होते हैं, क्योंकि वो जिस भी तरह का भोजन खाते हैं जो उनको सूट करता है, वो जिस तरह का भोजन खाते हैं उस तरह से जो माउथ पार्ट्स उनको सूट करने चाहिए उस तरह के उनके माउथ पार्ट्स होते हैं। इस बारे में हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स एनिमल्स दैट ईट प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स किसे कहते हैं? हर्बीवोर्स वो एनिमल होते हैं जो कि केवल प्लांट खाते हैं, जैसे कि देखिए सीप है, रैबिट है, काउ है, डियर है, स्क्वायरल है, दीज ऑल द हर्बीवोर्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं। एंड दे हैव शार्प फ्रंट टीथ एंड इन द बैक फॉर ग्राइंडिंग द फूड। इनके जो सामने के और बैक के जो टीथ होते हैं, फ्रंट के और बैक भोजन जो होता है वो ग्राइंड हो जाता है, पूरी तरह से पिस जाता है। ठीक है, अभी बोर्ड आते हैं कि कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। मतलब वो एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल का प्लस खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि डियर है और लायन है, टाइगर है, स्नेक्स है, दीज ऑल द एनिमल्स आर कार्निवोर्स। ये कार्निवोर्स होते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स हैव पॉइंटेड फ्रंट टीथ फॉर डियरिंग द फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग बैक टीथ टू चिप द फ्लैश एंड बोन्स। देखिए इनके जो सामने के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ही पॉइंटेड होते हैं, मतलब बिल्कुल नुकीले होते हैं, फॉर डियरिंग द फ्लैश, जिसकी वजह से वो फ्लैश को यानी मांस को पूरी तरह से टीयर कर देते हैं, उसको पूरी तरह से चीरफाड़ कर देते हैं फ्लैश पर, क्योंकि इनके जो टीथ होते हैं सामने के कैसे होते हैं? वो पॉइंटेड होते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग बैक, और जो बैक के जो टीथ होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लैश को और एनिमल्स को जो बोन्स होती है हड्डियां खाते हुए लोग, ठीक है, वो बोन्स को पूरी तरह से वो चबा लेते हैं, चीर कर लेते हैं, चबा लेते हैं। तो ये तो हो गए कार्निवोर्स। अब ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स किसे कहते हैं? ओमनीवोर्स एनिमल लाइक ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल एंड प्लस ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। वो होते हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल का मांस भी खाते हैं, उन्हें ओमनीवोर्स कहते हैं। जैसे कि देखिए फ्रॉग है, डक है, मैन है, हाँ, और तो ये क्या खाते हैं? ये दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स कहते हैं। हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू टीच चैप्टर सेकंड एनिमल एंड इट्स फीचर्स। ओके चिल्ड्रन, सो देखिए आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारी पृथ्वी होती है वो किससे मिलकर बनती है? लैंड और वाटर से मिलकर के बनती है। जो भी पृथ्वी का जो भूभाग होता है और पानी से मिलकर के बनती है, और पृथ्वी के लगभग कितना भाग? 1/3 ऑफ वाटर है एंड 1/3 ऑफ लैंड है। पृथ्वी में 1/3 जो है वो वाटर से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है और लगभग लैंड का कितना है? जो थल भाग है वो कितना? 1/3 है। ठीक है, 1/3 ऑफ लैंड से पृथ्वी हमारी घिरी हुई है। एंड एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एनिमल्स को दो भाग में या दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एनिमल दैट हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। एंड इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स दैट डू नॉट हैव स्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स। यानी कि जो एनिमल्स, जिन एनिमल्स के पास में स्केलेटन होता है जो कि बोन्स का, हड्डी का बना होता है, बोन्स का बना होता है, उसे वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल जिनके पास की बोन्स का बना हुआ स्केलेटन नहीं होता है, इन्हें
इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। एनिमल्स आइदर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स कैसे होते हैं, या तो वर्टिब्रेट्स होते हैं और या तो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और ये एनिमल जो है ये अर्थ पर पाए जाते हैं। अर्थ में कोई लैंड में होता है, कोई वाटर में होता है, कोई ट्रीज में होता है, कोई अंडरग्राउंड वाटर होता है, इस तरह से ये पाए जाते हैं। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं, एनवायरमेंट में पाए जाते हैं। हम जानेंगे व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट द सराउंडिंग इन विच एनिमल लिव्स एंड ग्रो कॉल्ड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण से कहते हैं। तो एनवायरमेंट हमारे चारों ओर, जिस भी हमारे चारों ओर का जो वातावरण होता है जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं और ग्रो करते हैं, जहाँ पर रहकर के वो ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, और उस वातावरण में रहते हैं उसे उसका एनवायरमेंट कहते हैं।